आशीष पाठक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल गया, जो आप लोग कह रहे थे कि सर जो सीटेट 2023 में अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए, तो यहां पर एक शर्त पर बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोगों को चांस मिल गया है। मतलब जो लोग सीटेट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब 20 अगस्त को इनका एग्जाम होगा, अगर सीटेट वालों ने आपका एग्जाम का रिजल्ट 30 तारीख से पहले पहले जारी कर दिया तो आप तो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसे आयोग ने कह दिया है आपके बीपीएससी ने कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिख रहा होगा, यहां पर ध्यान से देखिए, साफ साफ बोला गया है यहां पर कि जुलाई में सीटेट देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। ठीक है, यहाँ पे बोला जुलाई में होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर वन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। आगामी सीटेट दे रहे अभ्यर्थी इस शर्त पर, यहाँ शर्त लगाया गया है कि साथ शामिल होने की अनुमति दी जा रही है कि आयोग की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए तो बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में के लिए अभ्यर्थी की पात्रता संशोधन किया गया है। मतलब ये आपका कहा गया कि अगर इनके हिसाब से अंतिम तिथि तक आपका जो भी है, जो भी चीज में आप लोग अपीयरिंग में हो, अगर आप अंतिम तिथि तक, मैंने पहले भी कहा था कि अगर अंतिम तिथि तक, जब ये घोषणा नहीं हुई थी मैंने कहा था कि लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो जाहिर सी बात है जब बीएड को इन्होंने कह दिया था पहले ही कि वो एलिजिबल हैं तो आप लोग भी एलिजिबल हैं अगर आपका लास्ट डेट से पहले रिजल्ट आ जाता है। तो यहां पर सीटेट जो जुलाई 2023 वाला देने वाले बच्चे हैं वो 1 से लेकर 5 तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि सर वहां पे तो सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, हम कैसे भरे? तो जो भी चीजें आपसे पूछ रहा है, जो आपके पास नहीं है फिलहाल में, आप उसमें एनए भर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो चीजें हैं आपके पास डेटा में वो भरिए, जो आपके पास नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए आप एनए डाल सकते हैं। तो जैसे सीटेट का अगर मार्क्स वोक्स आपसे पूछे, चाहे उसका मार्कशीट का नंबर पूछे, तो आप एनए फिल कर दीजिएगा, आप लोग एलिजिबल हैं, इसे फॉर्म भर सकते हैं 1 से 5 तक। पहले बीटेक वालों को भी नहीं अलाउ किया, फिर बाद में बीटेक वालों को भी अलाउ कर दिया गया संशोधन के तहत 1 से 5 तक वाले में। ठीक है, टेक्निकल, और यहां पर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी कक्षा 9 के 10 में विज्ञान के शिक्षक की अर्हता में शामिल हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो कक्षा 9 और 10 में यहां पर बोला है इतिहास है जिनका, ठीक है, प्राचीन इतिहास से है, उनको इतिहास के विषय के समकक्ष माना जाएगा, ये भी बोल दिया। लेकिन अगर जैसे आप लोगों ने पीजी अगर प्राचीन इतिहास से किया है, आपने ग्रेजुएशन प्राचीन इतिहास से किया है, पीजी नहीं, ग्रेजुएशन अगर आपके सब्जेक्ट में प्राचीन इतिहास रहा है तो कोई बात नहीं, आप इतिहास से फॉर्म भर सकते हैं, आप इतिहास के समकक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि आपने प्राचीन से किया है तो नहीं इतिहास वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप है तो इतिहास का ही सब्जेक्ट, तो वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये आपको यहां पर न्यूज़पेपर में बताया गया है आयोग के द्वारा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आपका 30 अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है सीटेट का तो आपके लिए अच्छा खासा वैकेंसी, एक सुनहरा मौका रहेगा नौकरी लेने के लिए। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है सीटेट के रिजल्ट पर, थोड़ा सा ये पहले एग्जाम हो गया होता सीटेट वाला तो ये कहा जा सकता था कि 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, अब 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हो सकता है सीटेट कर भी देता है, ऐसा नहीं है, सीटेट विद इन 10 डेज, विद इन 1 वीक में आपके रिजल्ट आ जाते हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि आपके रिजल्ट आ जाएंगे, अगर आ जाते हैं तब तो आप एलिजिबल होंगे, एग्जाम देने जाइएगा, नहीं आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप सभी लोग फॉर्म फिल करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको फॉर्म फिल में हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग प्राइमरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो परीक्षा प्लस पूरी तरह से निशुल्क बैच चला रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, पूरा सीरियल वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, पूरा ईबुक चाहिए, तो आपको ईबुक भी मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, पूरा ये पीडीएफ के फॉर्म में है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब कुछ आपका कंप्लीट नोट्स लगा है, मात्र 399 का है। तो जिन्हें भी ये किताब चाहिए वो 399 परीक्षा प्लस ऐप पर
पे करके ये ले सकते हैं। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।